Hey guys, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। वेलकम है दोस्तों टेक बाइट के एपिसोड नंबर 6 में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बहुत ढेर सारी टेक न्यूज के बारे में। पिछले हफ्ते दोस्तों मैंने इसका एक एपिसोड मिस कर दिया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार चलो इसे नेक्स्ट वीक बनाया जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ढेर सारी न्यूज के बारे में बात करेंगे, एनवीडिया के बारे में, इंटेल के बारे में, सैमसंग के बारे में और बहुत सारे फ्री स्टफ के बारे में। सबसे पहले न्यूज दोस्तों आ रही है कोर i7 9th जनरेशन के बारे में। मैंने थोड़ा टाइम पहले ही दोस्तों कॉफी लेक से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आने वाले कोर i7 9700K में 8 कोर और 8 थ्रेड होंगे। यहाँ पर दोस्तों दूसरा लीक भी सामने आया है जहाँ पर डेटा सेंटर में एक एंट्री पाई गई है जिसमें यह बताया गया कि कोर i7 9700K के पास केवल 8 थ्रेड हैं। 8 थ्रेड का मतलब 8 कोर 8 थ्रेड ही होंगे। यहाँ पर दोस्तों ढेर सारे और ऐसे लीक्स आए हैं जो कि ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कोर i7 के पास 8 कोर और 8 थ्रेड होंगे। ऐसा दोस्तों बेसिकली इसलिए कर दिया गया है ताकि कोर i9 के लिए भी जगह बन जाए। यहाँ पर दोस्तों अब काफी सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि 6 कोर और 12 थ्रेड के सामने ये 8 कोर और 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर कैसा परफॉर्म करेगा। इंटेल के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि वो डेफिनेटली यही चाहेंगे कि 8th जनरेशन थे तो अच्छा ही परफॉर्म करें। यहाँ पर दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी और बहुत सारी चीज़ें भी लीक हुई हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें लीक हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में दोस्तों बात करें तो आ रही है एनवीडिया के 1170 की। यहाँ पर 1170 का पूरा बेंचमार्क, स्पेसिफिकेशन सब कुछ लीक हो गया है। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारे रिव्यूवर्स ऐसे हैं जो कि इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो मेमोरी दी गई है वो 16GB है जो कि प्रीवियस 1070 की बात करें तो वहाँ पर केवल 8GB दी गई थी। कंसिडर ये किया जाए कि मेमोरी के प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं और नया आर्किटेक्चर है तो दुगनी मेमोरी देना थोड़ा सा यहाँ पर इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाता है। वहीं इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आप फायर स्ट्राइक का बेंचमार्क में आपको बताऊं तो इसका बेंचमार्क बिल्कुल 1180 Ti के जितना ही है। तो इस पर तो ये क्लियर हो जाता है कि आने वाला 1170 इसके आसपास ही होगा, तो कह सकते हैं यह कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले टाइम पे ये कैसा परफॉर्म करेगा। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो एनवीडिया ने एक नया प्रोग्राम चलाया है अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए। 1050 Ti और 1060 पर इन्होंने फ्री SSD देने का प्रोग्राम चलाया, मतलब कि ये प्रोग्राम अभी इंडिया में नहीं है, केवल UK तक लिमिटेड है। जहां पर अगर आप NVIDIA के ऑफिशियल वेबसाइट से ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं तो वहां पर आपको 240GB की किंगस्टन के SSD फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। स्टॉक क्लियर करने का एक नया तरीका है। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ये आ रही है इंटेल की तरफ से। इंटेल का ऐसा कहना है कि वो 2019 तक 10nm के प्रोसेसर उतार देगा। यहां पर ये सोचने वाली बात है कि जब तक इंटेल का 10nm आर्किटेक्चर आएगा तब तक के AMD का 7nm आर्किटेक्चर ऑलरेडी मार्केट में आ चुका होगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग ऑलरेडी काफी सारे लीक देख चुके हैं जैसे कि AMD का आने वाला सर्वर प्रोसेसर है AMD EPYC, वो 7nm आर्किटेक्चर पर बेस होगा और जो कि 2019 पर आने ही वाला है। तो 7nm आर्किटेक्चर फ्रॉम AMD एंड 10nm आर्किटेक्चर फ्रॉम इंटेल, तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ये दोनों कैसे परफॉर्म करते हैं और एक दूसरे को कैसे टक्कर देते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है दोस्तों एप्पल की तरफ से। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो मैकबुक नया वाला वर्जन आया है $7000 वाला, उसमें थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू है जिस पर डेव टूडी ने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से CPU हैवी टास्क करने पर मैकबुक जो है वो थर्मल थ्रॉटल करने लगता है क्योंकि उसमें कोर i9 दिया हुआ है और जो उसका डिज़ाइन है लैपटॉप का वो उतना एफिशिएंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एप्पल ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट कहा है कि जो है वहाँ पर वो कुछ पैचेस डिलीवर करना भूल गए थे, तो यहाँ पर मैकबुक में एक अपडेट आया है जिसे वो अपडेट करने के बाद मैकबुक में काफ़ी हद तक थर्मल थ्रॉटलिंग कम हो जाती है। लेकिन यही नहीं, इसको अपडेट करने के बाद बहुत सारे लोग को कर्नल पैनिक वाला इशू आया है, हालांकि ये काफ़ी कम लोग का है। तो एक इशू गया नहीं और दूसरा इशू आ गया, तो अब देखने वाली बात यह है कि जो है एप्पल अभी इसे कैसे फिक्स करता है। लास्ट न्यूज़ के बारे में दोस्तों बात करें तो आ रही है राइजन की तरफ से। हमने प्रीवियस वीडियो में दोस्तों आपको बताया था थोड़े टाइम पहले टेक बाइट में कि 2300X और 2500X लीक हो चुके हैं। दोस्तों उसकी न्यूज़ जो थी वो बिल्कुल कन्फर्म थी, मतलब कि हाँ ये प्रोसेसर आने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों एक प्री बिल्ड PC लेनोवो की तरफ से स्पॉटेड किया गया है जो कि गलती से पब्लिश हो गया था। यहाँ पर जो PC है वहाँ पर राइजन 5 2500X को फीचर किया गया है 8GB रैम के साथ। हालांकि दोस्तों ये चीज़ गलती से पब्लिश हो गई थी जो कि ध्यान रखना चाहिए, जो चीज़ अभी अनाउंस नहीं हुई उसका प्रोडक्ट को पब्लिश कर दिया गया। तो यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आने वाले टाइम पे आपको 2500X OEM मशीन पे तो एटलीस्ट देखने को मिल ही जाएगा। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी टेक न्यूज़, आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अब तक देखने के लिए थैंक यू।